हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं कि बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड एप्लीकेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ। हम राउंडिंग ऑफ और जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है उसे हम अप्लाई करेंगे बेटा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में, ये मैं आप लोगों को बेटा सिखाऊंगा। और इसके बाद हमारा ये जितना भी काम है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रोल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे बेटा, हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं कि लिख लिया होगा सभी लोगों ने। अब कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? चार चीज़ें आती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने एक साथ रखा हुआ है। तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लिख दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं बड़ा उत्सुक हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जैसा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है, कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स तो बड़ा शानदार है, बहुत मेहनत करके वो लोग पढ़ रहे हैं और हमें मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है यार। बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो टीचर को लगता है कि भाई हाँ, उसकी भी मेहनत सफल हो गई। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं भेज रहे हैं हमारे पास में, भाई ऐसा मत करो बेटा, होमवर्क भेजना स्टार्ट करो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप यहाँ तक लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर Having different precisions should be reported to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places. The rule is illustrated by the following examples. आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको explain करूँगा। चिंता मत करिए, सभी चीज़ें आपकी clear हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। यानी हम significant figure का और rounding off का कैसे इस्तेमाल करेंगे सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। चलिए लिख लिया ना बेटा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम नंबर वन पर। जरा आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा। देखो बेटा, डेसिमल के बाद एक प्लेस है इसके अंदर, यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, है ना, दो प्लेसेस, समझ में आ रही बात। और यहाँ डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस हैं, थ्री प्लेसेस हैं। यहाँ डेसिमल के बाद ओनली एक प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। इन तीनों को आपस में ऐड करके आ गया ये 36.723। अब आप ये देखो कि इन तीनों नंबर को हमने ऐड किया है। इसमें डेसिमल के बाद में एक नंबर था, यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर थे और यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर है। जो आंसर हमारा आया है ना बेटा, उसमें भी डेसिमल के बाद में एक ही नंबर होना चाहिए। हमें कैसे पता चला? इन तीनों नंबर में जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम नंबर होंगे, बिल्कुल उतने ही नंबर आंसर में होने चाहिए। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद दो हैं, यहाँ डेसिमल के बाद तीन है, यानी यहाँ डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है वन, लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस है यहाँ पर डेसिमल के बाद। तो इसमें भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद आ कितने नंबर रहे हैं? यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर आ रहे हैं, हमें लाना है डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर। तो राउंड ऑफ कर दीजिए इसे। कैसे करोगे राउंड ऑफ? देखो ये जो थ्री है,
ये 5 से छोटा है, हटा दो इसे। ये जो 2 है ये भी 5 से छोटा है, इसे भी हटा दो। और करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में 36.7। जो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया है वो है 36.7। अब यही रूल तो आप एडिशन में अप्लाई करोगे बेटा, और बिल्कुल यही रूल आप सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करोगे। जिस नंबर में डेसिमल के बाद में कम प्लेसेस तक नंबर होंगे बिल्कुल उतने ही आंसर में होने चाहिए। यहाँ डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 1 सबसे कम नंबर है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद में एक ही नंबर होना चाहिए। लेकिन आंसर में तो 3 आ रहे हैं, 3 को हम 1 में कैसे बदल सकते हैं? हम 3 को 1 में बदल सकते हैं राउंडिंग ऑफ का यूज़ करके। हमने राउंडिंग ऑफ किया और इन तीनों को 1 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो, और अभी तक तो कोई परेशानी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ये। इन 3 नंबर को हमें जोड़ना है। आप देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 चार प्लेसेस तक वैल्यू है। यहाँ डेसिमल के बाद 1, 2, 3 3 प्लेसेस तक वैल्यू है, और यहाँ डेसिमल के बाद 1 और 2 प्लेसेस तक वैल्यू है। यहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक वैल्यू है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू है। मतलब एडिशन के रूल भी बदल गए। हालांकि आपने आज तक कुछ नहीं सीखा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 10th क्लास तक बच्चा सिर्फ प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखता है। लेकिन प्लस करना हम अब आपको दोबारा से बता रहे हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक वैल्यू है, यहाँ 3 प्लेसेस तक है, यहाँ 2 प्लेसेस तक है। अब आंसर में कितने प्लेसेस तक होनी चाहिए? सबसे कम किस में है? इसमें है। कितने प्लेसेस तक है? 2 तक। तो आंसर में भी 2 प्लेसेस तक ही होने चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। देखो, ये नंबर 1 5 से छोटा है, हटा दीजिए। ये नंबर 3 5 से छोटा है, हटा दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज 3.47। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक वैल्यू है हमारे पास में। बेटा ऐसे करेंगे हम लोग एडिशन, ये होगा हमारा एडिशन करने का तरीका। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात, कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस तक वैल्यू होंगी आंसर में भी बिल्कुल उतने ही प्लेसेस तक होनी चाहिए। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये रूल हम अप्लाई करते हैं। आइए थर्ड एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहले ये सेकेंड एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके बेटा, चलिए अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है। अरे यार, यहां तो माइनस करना पड़ गया थर्ड एग्जाम्पल में। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखो, डेसिमल के बाद 1, 2, 3 3 प्लेसेस तक वैल्यू है, और यहां डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 प्लेसेस तक है। यहां डेसिमल के बाद 3 तक है, यहां डेसिमल के बाद 4 तक है। कम कौन सा है? 3 वाला। तो आंसर में भी 3 ही होना चाहिए। तो हमने इसमें से इसे माइनस किया। सिंपल तरीके से माइनस करने का तरीका आप लोगों को पता है। हमने सिंपल तरीके से इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमें राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद यहाँ 4 है ना, 3 लेकर आना है। क्योंकि रूल के मुताबिक अगर डेसिमल के बाद यहाँ 3 प्लेसेस तक वैल्यू है और यहाँ 4 प्लेसेस तक है, तो कम वाली कौन सी है? 3 वाली। तो आंसर में भी 3 तक होनी चाहिए। अब करो जरा, कैसे कम करोगे? ये क्या है? 8 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसे हटाकर इसमें एक ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 38.282। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में ये 38.282। देखो, जो रूल हम एडिशन में लगा रहे हैं बिल्कुल वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा सब्ट्रैक्शन में। कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को ना पता हो। रूल पहले मैंने आपको बता दिया, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके ऊपर बता दिए, तो मैं इतनी तो उम्मीद यार आप लोगों से कर ही सकता हूं कि आप लोग ये काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।
ओके स्टूडेंट, चलिए तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ लिया है। उम्मीद है कि इन तीन एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस तक वैल्यू होंगी, आंसर में भी उतने ही प्लेसेस तक वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं तो उन्हें राउंड ऑफ करके आप कम कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास में रूल की थियोरी है और ये तीन एग्जाम्पल हैं आपके पास में रूल के। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जल्दी से करिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है बेटा। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर वन पर। क्या है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर वन, आइए देखते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे पास में ये। पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल समझा देता हूँ बेटा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल ये है, जैसे दो नंबर आपको दे रखे हैं, आप दोनों के अंदर पहले सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दो। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में डेसिमल के प्लेसेस तक काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने पड़ेंगे। जैसे दो नंबर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस नंबर में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2। इस नंबर में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कम कितने हैं, 2 वाले। तो आप एक काम करो, दोनों के आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ कर दो। देखो हमारे पास में 2 नंबर थे, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने सिखा चुका हूँ। यहाँ आपके पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपका निकल कर आए, आप देखो कि यहाँ है 5 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा समझ रहे हो मेरी बात, तो कम वाले कितने हैं, 2 वाले, यानी इस नंबर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, बिल्कुल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस तक वैल्यू थी, बिल्कुल उतनी ही आंसर के अंदर होनी चाहिए थी। यहाँ जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आंसर में होने चाहिए सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ करते हैं इसे। बेटा ये क्या है, 8 है ना, 8 हटा दीजिए आप इसे यहाँ से, 5 से बड़ा है तो इसे हटाएंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, 32.674। ये 5 से छोटा है, इसे हटा देते हैं, 32.67, ठीक है। सिर्फ 2 होने चाहिए, अभी 4 है देखो यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे 33, क्योंकि 32.5 से ऊपर निकल गया, ये 32.5 से ऊपर निकल गया ना, और 32.5 से ऊपर हम 33 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए और यहाँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसीलिए हमने इसे लिख दिया है 33 बेटा। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा 33, यानी यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 33। उम्मीद है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल समझ में आया हो। जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए, राउंड ऑफ करके उस सिग्निफिकेंट को आप कम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
ठीक है बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर टू हमारे पास में ये है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास में। भाई यहाँ पर है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3। मैं ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के तरीके आपको बता चुका हूँ बेटा। यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कम किस में है, इसमें है। कितने हैं, 3, तो आंसर में भी 3 ही होने चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया। इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, कितने, 3। राउंड ऑफ करो इसे। देखो जब राउंड ऑफ करेंगे ये क्या है, 8, हटाओ इसमें एक ऐड कर दो, यहाँ कितना जाएगा, 7। ये क्या है, 7, 5 से बड़ा है, हटाओ यहाँ एक ऐड कर दो, ये कितना जाएगा, 7। ये 7 5 से बड़ा है, हटाओ यहाँ ऐड कर दो, ये कितना आ गया, 5। अब देखो जब ये 5 आ गया है, ये अगर 5 आ गया तो 5 आने पर इस नंबर को देखा जाता है। अगर ये इवन है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, और अगर ये ऑड है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। 5 आया, इसे हटाते हैं, इसको देखते हैं, इवन है ऐसा ही छोड़ देंगे। सो करेक्ट आंसर इज 66.8। हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा बेटा 66.8। राउंड ऑफ करना मैंने सिखा रखा है यार, परेशानी होनी नहीं चाहिए। यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास में, आ गया ना ये। अब आपको इसका राउंड ऑफ करना है और इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने हैं। हमने इसका राउंड ऑफ किया और हमारे पास में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 66.8। सो करेक्ट आंसर इज 66.8। होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आई हो कि कैसे हमें काम करना है बेटा। तो एक एग्जाम्पल हो गया हमारा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइए बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में डिवीजन के लिए। तो डिवीजन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखो यार इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 1, 2। इस नंबर में कितने हैं, 1, 2, 3। इस नंबर में है 3। हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट। कम किस में है, इसमें है। कितने हैं, 2 हैं, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। इस नंबर में कम सिग्निफिकेंट है ना, कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 3, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। अब कैसे करोगे आप इसे राउंड ऑफ, अब आप इस पूरे नंबर को राउंड ऑफ करो बेटा, इस पूरे नंबर को राउंड ऑफ करो, और राउंड ऑफ करके इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट छोड़ने हैं आपको। देखो 0.211 26, देखो ये 6 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे, यहाँ एक ऐड कर देंगे 8। ये 8 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे और यहाँ एक ऐड कर देंगे, आ जाएगा 7। उसके बाद ये 7 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे, यहाँ एक ऐड कर देंगे 3। समझ आ रही बात, 2 सिग्निफिकेंट हमें लेकर आने हैं, अभी 4 है इसके अंदर। ये 3 5 से छोटा है, इसे हटा दो। ये 1 5 से छोटा है, इसे हटा दो। सो करेक्ट आंसर इज 0.21। करेक्ट आंसर इज 0.21, ये आएगा बेटा हमारा आंसर। तो मैंने आपको जोड़ने का रूल बता दिया, एडिशन करने का रूल मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्शन करने का रूल मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको बताया, और डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए एक रूल है डेसिमल के प्लेसेस वाला, जिसमें डेसिमल के कम प्लेसेस तक वैल्यू होंगी उतने ही प्लेसेस तक आंसर में होनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल है कि जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए, राउंड ऑफ करके आप उन्हें कम कर सकते हो। तो ये हमारे रूल हैं बेटा। सो उम्मीद है कि अभी तक जितना भी आप लोगों को बताया गया है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, राउंडिंग ऑफ करने का तरीका क्या है, सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा दे रहा हूँ होमवर्क के लिए,
जो आप लोगों को करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर फटाफट। होमवर्क मिक्सअप क्वेश्चन है, नंबर 1, 2.51, 1.4191, 3.914 माइनस 2.11, थर्ड 4.958 प्लस 2.915, फोर्थ 6.121 माइनस 3.91, फिफ्थ 1.2914 प्लस 1.1। ये 5 क्वेश्चन तो हो गए हैं बेटा हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6, 1.21 इंटू 0.69 7, 4.121 मल्टीप्लाई बाय 0.11 8, 6.12 इंटू 3.121 इंटू 4.9, ये हो गया हमारे पास में थर्ड। 9 है बेटा, 2.14 अपॉन 0.69, 10 0.101 डिवाइडेड बाय 2.146। लो बेटा ये 10 क्वेश्चन है हमारे पास में, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, और इसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक था ये हमारा हो जाता है बेटा फिनिश। हमने सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आप लोगों को बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताते हैं जो आप लोगों से लैंग्वेज के साथ पूछे जाएंगे, लैंग्वेज के साथ कुछ प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। वीडियो को पॉज करके बेटा अपना नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएंगी विद लैंग्वेज। तो बेटा ये है प्रॉब्लम हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग, मैं चाहूँगा कि एक बार अपने आप से ट्राई करें, क्योंकि मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के डाउट बताऊँगा। प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, ईच साइड ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ। क्यूब की बात हो रही है बेटा, और क्यूब की एक साइड आपको दे रखी है इतनी। हमने क्यूब की साइड को मान लिया है x, 7.203। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो होता है x की पावर 3, x टू दी पावर 3, यानी 7.203 मल्टीप्लाई 7.203 मल्टीप्लाई 7.203, और मल्टीप्लाई करने का तरीका जस्ट मैंने आपको अभी बताया है। आप क्या करेंगे बेटा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, बताइए है या नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4, ना किसी में ज़्यादा है ना किसी में कम है। तो पहले आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपका निकल कर आएगा उसे आप राउंड ऑफ कर देंगे 4 डिजिट तक, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसे राउंड ऑफ कर देंगे। जितने एक में सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए। तो पहले तीनों की मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर बनेगा उसे राउंड ऑफ कर दीजिएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, आप लोगों का काम फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं, और आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर बेटा पूछे गए हैं, क्या तो नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या JEE के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, भाई मैंने कहा था लीडिंग जीरोज कभी काउंट नहीं करनी होती, ये जो दो जीरोज हैं ये लीडिंग जीरोज हैं, काउंट ही नहीं करनी है, सेवन, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारे पास में, समझ आ रही बात, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक आर मेजर्ड एज, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है थिकनेस, आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा। याद करो मैंने क्या बताया था कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, फोर, वन टू थ्री फोर, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टू, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टू, लेंथ के अंदर हैं चार सिग्निफिकेंट फिगर, ब्रेथ के अंदर हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर और थिकनेस के अंदर भी हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लेंथ में चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो लेंथ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होने वाली है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में फर्स्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जिस नंबर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो पहले नंबर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है फोर और पहले वाली का नाम है लेंथ, तो इसीलिए लेंथ हमारी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ होने वाली है। उम्मीद करूँगा कि बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 48 आप देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 ये है, द मास ऑफ ए बॉक्स इज 2.3 किलोग्राम, किलोग्राम में है बेटा ध्यान रखिएगा, टू मार्बल्स ऑफ मासेस, देखो ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, आर एडिड टू इट, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स सो द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, तो हमने इसे लिख दिया यहाँ 2.3, इसके अंदर दो मार्बल है, एक का मास इतना है लेकिन ये ग्राम में है, अब किलोग्राम में हम ग्राम तो नहीं जोड़ सकते हैं, किलोग्राम में हम किलोग्राम को ही जोड़ सकते हैं, तो पहले ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल दिया, कैसे, 1000 से डिवाइड करके, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ आ रही बात, इस ग्राम को भी हमने किलोग्राम में बदल दिया 1000 से डिवाइड करके, ये आ गया। अब जो हमारा रूल है ना बेटा, सेम यूनिट में बदल दिया हमने इन्हें, सेम यूनिट में, सेम यूनिट का मतलब ये है कि तीनों को हमने किलोग्राम में बदल दिया, जब आप जोड़ते हैं तो सेम यूनिट में बदलते हैं, ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में और ये भी किलोग्राम में। अब जोड़ने का रूल क्या है हमारा, ऐड करने का क्या रूल है, ऐड करने का रूल है इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक वैल्यू है, यहाँ डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक वैल्यू है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक वैल्यू है, समझ आ रही बात, यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक वैल्यू है और यहाँ डेसिमल के बाद में 5 प्लेसेस तक वैल्यू है और यहाँ भी डेसिमल के बाद में 5 प्लेसेस तक वैल्यू है, सबसे कम इसमें है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेसेस तक है, समझ आ रही बात, तो इन तीनों को ऐड करके डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक ही आंसर आप लोगों को आना चाहिए बेटा, इन तीनों को ऐड करने के बाद में डेसिमल के एक प्लेस तक ही आपका आंसर आना चाहिए, तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा हमारा ये 2.3, भाई इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही होगी। अब चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक वैल्यू है, यहाँ डेसिमल में 3 प्लेस तक है, यहाँ डेसिमल में 4 प्लेस तक है, यहाँ एक प्लेस तक है, यहाँ 2 प्लेस तक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऐसे बनाएंगे बेटा हम लोग प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये आप लोगों को समझ आए होंगे, बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों का 2 days ऑफ है बेटा, आपको बताया गया था अगर ये क्लास आप मेरी थर्सडे में देख रहे हैं थर्सडे में, तो फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, और अगर ये क्लास आप मेरी सैटरडे में देख रहे हैं तो फिर आपका ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आज थर्सडे है तो फ्राइडे एंड सैटरडे आपका 2 दिन ऑफ रहेगा, संडे आप लोगों की क्लास, संडे आप लोगों का टेस्ट होगा और मंडे से जैसा सिस्टम हमारा चल रहा था वैसे ही हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बेटा नेक्स्ट क्लास में।